हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों हिंदी का दोस्तों 5 नंबर चैप्टर दोस्तों क्लास 12 का दोस्तों रोज, ठीक है, जिसके लेखक आगे जाए, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 42 क्वेश्चनों को कवर करूंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को या सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को या सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जो होगा वो दोस्तों सबसे पहले जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश करें वीडियो में लास्ट तक बने रहने के, क्योंकि 42 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोग कमेंट करते रहना जोन क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है ना। PDF भी आप लोग को मिलेगा। डीआर देखिए इस चैनल इस नंबर पर आप लोग को संपर्क करना होगा, इस नंबर पर आप लोग को PDF दे देंगे, लेकिन ऐसे PDF नहीं मिलेगा। आप लोग को 42 क्वेश्चनों को देखना होगा, 42 क्वेश्चनों के आंसर को भी याद रखना होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग इस नंबर पर PDF मिल जाएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनाएंगे, एकदम मजा आएगा। उस सब्जेक्ट का आप लोग को PDF यार दे दिया जाएगा, चलिए बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर जो देंगे वो क्या हो जाएंगे। करा डियर के रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज कहानी जो लिखा गया दोस्तों, ठीक है ना, इसके जो लेखक है वो कौन है, तो आप लोग ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, इसके जो लेखक है वो कौन है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से किन्हीं एक ऑप्शन दोस्तों सही है, जिसका आप लोग को राइट आंसर करना है। तो सब लोग कमेंट कीजिए। चले डियर स्टूडेंट, इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहे, बताइए इसका सही उत्तर क्या देंगे। तो रोज कहानी शीर्षक का जो लेखक है डियर स्टूडेंट आगे जाए, इनकी पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद बासन आगे है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। यहाँ से भी आप लोगों ने आंसर को चोरी किया होगा, चले बहुत अच्छी बात है। मुझे आशा है कि आप लोगों को पहले से ये क्वेश्चन का आंसर याद थे, ठीक है ना, एकदम लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट दूंगा। चलिए डियर यहाँ पर देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि अज्ञे जी की माता का नाम क्या है। अज्ञे जी दोस्तों सचिदानंद आगे बासन अज्ञे जी दोस्तों इसके माता का नाम क्या है। आप लोग यार कमेंट कीजिए, एकदम प्यारा प्यारा सा कमेंट, एकदम प्यारा प्यारा आप लोग कमेंट कीजिए, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा माई डियर, इनके पिता की बात करें तो हीरानंद दोस्तों था, लेकिन माता का नाम बेअंती देवी था। बेअंती देवी आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। चलिए आप लोग दोस्तों कमेंट करते रहे इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर देंगे। अज्ञे जी के माता का जो नाम था वो दोस्तों बेअंती देवी था। सो डियर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो देंगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या हो देंगे। कह रहा है कि अज्ञे जी, ठीक है ना, अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो दोस्तों अज्ञे जी तो थे ना दोस्तों, अज्ञे जी इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनकी दोस्तों तो पहली कहानी दोस्तों पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी किस रूप में हुई थी, तो आप लोग ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, दोस्तों पत्रिका सेवा के रूप में प्रकाशित हुई थी। सी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर देंगे। अज्ञे जी की जो पहली दोस्तों जो कहानी से किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो ध्यान रखना पत्रिका सेवा, यानी कि सी नंबर आप लोग लगाए तो एकदम तहलका मचाए हुए, एकदम बिल्कुल धोरे धोरे कर देंगे आप लोग, लास्ट तक बने एकदम बहुत मजा आ रहा है। चलिए फोर नंबर क्वेश्चन करा है कि मालती के पति क्या है। तो मालती का जो पति है डॉक्टर डियर स्टूडेंट, गैंग्रीन की बीमारी का इलाज करने वाला डॉक्टर डॉक्टर हो जाएंगे। सो डियर मालती का जो पति है दोस्तों क्या है, डॉक्टर है, तो आप लोग लगा रहे हैं ए नंबर। यार मुझे देख करके बहुत खुशी हो रही है यार, तहलका मचा देंगे एकदम, फोड़ देंगे 2023 में। तो आप लोग लास्ट तक बने यार, मेरा सपोर्ट कीजिए, आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, एकदम दे देना था लास्ट तक बने रहेंगे, एकदम मजा ही मजा, खुशी कोशिश। सो डियर ए नंबर लगा रहे हैं तो बिल्कुल तहलका मचा दिया। चलिए कर डियर नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है कि आगे जी किस बात से संबंधित है, ये आप लोग का क्लास टेंथ में भी आगे के बारे में पढ़ने को है तो आप लोग बता सकते हैं आगे जी हैं जो दोस्तों वो किस बात से संबंधित है। तो बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि बी नंबर सही है और मेरे हिसाब से भी इसका भी राइट आंसर होना चाहिए, प्रयोग बाद होना चाहिए। लेकिन आप लोग यार कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या देना चाहेंगे, प्रयोग बाद या रहस्य बाद। तो सब लोग चैट में आंसर देते रहिए, इसका राइट आंसर कमेंट करते रहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, चले बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसका तो राइट आंसर हो जाएंगे डियर प्रयोगवाद ही हो जाएंगे। ये आप लोग क्लास टेंथ में पढ़े होंगे और यहाँ भी आप लोग पढ़ने को देखने को मिल रहा है। सो डियर बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आप लोग तहलका मचाते रहिए, हम आप लोग को आंसर बतलाते रहेंगे। देखिए प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को यार ठोकिए सब्सक्राइब, ठीक है ना। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब ठोकिए क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं यार। आप लोग को पीडीएफ भी दे देते हैं, सोचिए। चलिए कह रहा है कि मालती के पति का नाम क्या था। तो मालती के पति का नाम महेश्वर था दोस्तों, जो गैंग्रीन के बीमारी का इलाज करता था। क्या डियर? गैंग्रीन था। सो डियर बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। मालती के पति का नाम दोस्तों महेश्वर था, जो कि दोस्तों किसका इलाज करता था पता आप लोगों को? गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता था। तो आप लोग ऐसे ही एकदम लास्ट तक बने क्योंकि मैं आप लोगों को दोस्तों इतना बेहतरीन तरीके से ठोकवा दूंगा कि बिल्कुल आप लोगों को दिमागों में ठोका देगा। सो डियर बी नंबर इज द करेक्ट आंसर क्यों देंगे? मालती का जो पति था वो दोस्तों महेश्वर था। सो डियर बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मालती के पति के बीमारी का ऑपरेशन करके आया था। मालती का दोस्तों पति, मालती के पति की बीमारी का ऑपरेशन करके आया था। मालती का जो पति था ना, किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो गैंग्रीन बीमारी का इलाज करके आया था यार, कहाँ गया गैंग्रीन? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। मालती का पति दोस्तों कौन था? महेश्वर, ठीक है ना। महेश्वर दोस्तों डॉक्टर था। क्या था? महेश्वर डॉक्टर, जो कि किस बीमारी का इलाज करके आ रहा था? तो गैंग्रीन का। सोड या सी नंबर लगाएं तो एकदम तहलका मचा दिए आप लोग। चलिए एट नंबर क्वेश्चन लगाइए एकदम तहलका मचा के हुए। कह रहा है कि रोज कहानी का दोस्तों कौन सा पद डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है। तो रोज कहानी में दोस्तों कौन सा पेशा है जो डॉक्टरी पेशा से आप लोग का जुड़ा हुआ है, डॉक्टरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मालती का दोस्तों तो पति महेश्वर है, तो दोस्तों महेश्वर था वो डॉक्टर था, जो कि दोस्तों आप लोग समझ सकते हो दोस्तों जो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था। सो डियर आप लोग लगा रहे हैं बी नंबर ऑप्शन, तो बिल्कुल तहलका मचाइए आप लोग एकदम, बिल्कुल आप लोग 2023 में 24 में आप लोग ऐसे ही ठोकिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहे, वीडियो को जितना हो सके शेयर करते रहेगा क्योंकि मैं आप लोग को पीडीएफ यार दूंगा, ठीक है ना। देखिए पीडीएफ तो बना हुआ है दोस्तों, आप लोग के चार्ज भी इतना कम है कि यार जिसकी यार कोई कल्पना ही नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा देर में बतलाते हैं कितना दोस्तों आप लोग का दोस्तों जो मैंने रखा एकदम कम राशि, जिससे आप लोग दोस्तों सभी स्टूडेंट जो है परचेस कर सके। अरे यार पर चैप्टर का 2 रुपये से कम, इतना याद रखना। चलिए इन अज्ञे का नाटक कौन है, इनमें कौन है जो अज्ञे का नाटक है? तो आप लोग लगाइए और बतलाइए इसका सही उत्तर क्यों देंगे। चलिए डियर बहुत ही अच्छा, मेरे प्यारे लाल एकदम सुंदर लाल एकदम बिल्कुल सी नंबर लगा रहे हैं। उत्तर प्रियदर्शी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? उत्तर प्रियदर्शी है एकदम बिल्कुल तहलका यार। आप लोगों में जितना जुनून है उतना तो टॉपरों में नहीं होता है यार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएंगे। इनमें से कौन सा नाटक है जो दोस्तों आगे का होता है? तो उत्तर प्रियदर्शनी एकदम बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही उत्तर देंगे, क्या देंगे? उत्तर प्रियदर्शनी। आप लोग के लिए पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना, आप लोग को मैं नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना, आप लोग को साथ में सारा क्वेश्चन आंसर याद कर लेना है, फिर पीडीएफ को एकदम जीत लेना। चलिए लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था, ठीक है ना। लेखक था दोस्तों कितने वर्ष मालती से मिलने आया था? तो कितने वर्ष बाद दोस्तों मालती से मिलने आया था लेखक, बताइए एकदम बिल्कुल तहलका मचाएं आप लोग। इतना आप लोगों में दोस्तों जुनून दिख रहा है जैसे कि आप लोग टॉपर हैं 2023 का एकदम बिल्कुल डियर। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे अपने दोस्तों रिश्तेदारों जो एग्जाम देने वाले हैं। बिल्कुल चार वर्ष आप लोग लगा रहे हैं यार, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। लेखक दोस्तों कितने बाद मालती से मिलने आया था? तो ध्यान रखना डियर, 4 वर्ष बाद मिलने आया था। सो डियर बी नंबर लगा रहे हैं,
तो बिल्कुल आप लोग दोस्तों गर्दा थोड़ी साफ उड़ा दे रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर है। देखिए आप लोग दोस्तों सोचते होंगे सब्जेक्टिव नहीं देता रहे यार, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सभी आप लोग को इस चैनल पर दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे और साथ में बेल आइकन की घंटियों के, जो कि मैं आप लोग को गुजारिश करूँगा आप लोग बेल आइकन की घंटियों को उसको प्रेस कर लेंगे यार, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग दिख पा रहोगा लाल कलर का बटन दिख रहा है, उसको दबा करके काला कर दीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटेगा उसको दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और PDF के लिए दोस्तों मैसेज कर दिया, PDF आप लोग को दे दिया जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि मैं पैसा लेता हूँ तभी PDF देता हूँ, ऐसी बात नहीं यार। आप लोग PDF की बात करते हो तो मैं दोस्तों एक मांगते हो तो मैं दोस्तों पूरा 4 टका दे देता हूँ। आप लोग मिल लीजिए मेरे सब्सक्राइबर से, ठीक है ना, क्योंकि मैं आप लोग कमेंट करता हूँ दोस्तों 1 4 टका तो मैं जितना पढ़ा उतना 4 टका दे देता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल 4 वर्ष बी नंबर सही हो गया। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है अज्ञेय जी की पहले कहानी है दोस्तों क्या प्रकाशित हुई थी, तो अज्ञेय जी दोस्तों सचिदानंद हीरानंद बासचंद अज्ञेय जी की जो पहले कविता जो प्रकाशित हुई थी डियर स्टूडेंट, वो दोस्तों आप लोग का 1924 की 1920 बताइए एकदम बिल्कुल डियर। आप लोग यार ऐसा धमक उड़ा रहे हो कि मुझे भी धमक सुनाई दे रहा है, एकदम गूंज सुनाई दे रहा है। आप लोग दोस्तों जिगर के टुकड़े हो, ठीक है ना, जिगर के छल्ले हो, एकदम बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, एकदम बिहारियों एकदम बिल्कुल आप लोग हावी हो यार, एकदम बिल्कुल तहलका मचाई हुई है, एकदम बिल्कुल तहलका मचाना यार, एकदम गर्दा थोड़ी साफ उड़ा देंगे, बिल्कुल बी नंबर सही हो जाएंगे। अज्ञेय जी की दोस्तों तो कहानी है दोस्तों क्या प्रकाशित हुए थे तो 1924 इसमें, ये सब क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग को यार प्रूफ भी दिखला दें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसी टाइप का आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया जाता है। सोडिय बी नंबर सही हो गया। चलिए एकदम बिल्कुल प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर दिस वीडियो इन दिस चैनल सब्सक्राइब, ठीक है ना, चलिए प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आप लोग को वीडियो के लिए एक लाइक कर देना है, साथ में वीडियो को एक लाइक करके शेयर ठोक देना है, सर चैनल को या तो सब्सक्राइब ठोकना ही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है यार कि अज्ञेय जी ने अपने घर में किस हस्तलिखित, देखिए कारा हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। अज्ञेय जी थे ना दोस्तों, कौन यार, अज्ञेय जी ने दोस्तों की अपने घर में अघर जी घर में दोस्तों किस दोस्तों पत्रिका का संपादन किए थे। सभी स्टूडेंट लगा रहे आनंद बंधु, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट, बिल्कुल अरे यार आप लोग तो यार तहलका मचाने लगे हो, आप लोग तो इतना भी मैं आप लोग को हुनर दिख रहा है यार, मुझे तो पता नहीं आप लोग क्या करोगे, लगता है कि टॉप आप लोग यहीं से करोगे। चले डियर मेरा नाम रोशन करो चैनल का, ठीक है ना, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एकदम रेगुलर मेहनत करें, क्योंकि हम आपको बेहतर तैयारी कराएंगे, साथ में सब्जेक्टिव भी देंगे ऑब्जेक्टिव भी देंगे और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, एकदम बिल्कुल आप लोग को फिक्र नहीं लेना यार, आप लोग को एकदम कदम कदम साथ चलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को यार चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं बेहतर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ, जितना आप लोग सपोर्ट कीजिए। चले बहुत अच्छी बात है, बी नंबर सही हो गया। जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जो इसी बस देने वाले हैं, जो तहलका मचाना चाहते हैं, जो अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, वो वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। चलिए अज्ञेय जी के पिता का नाम मैंने बोला था, माता का नाम बेंती देवी था, पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, हाँ इतने में 1974 में ध्यान। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्यों देंगे, इनके पिता की बात क्या है, आप लोग नहीं बताओगे ऐसा हो नहीं सकता डियर, बिल्कुल बिल्कुल बे नंबर सही है। अज्ञेय जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, सो डियर बी नंबर इज द करेक्ट आंसर क्यों देंगे, एकदम बिल्कुल तहलका मचाते रहिए आप लोग, एकदम फूकते रहिए सभी क्वेश्चन का, एकदम बिल्कुल मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यार, आप लोग ऐसे रिस्पॉन्स दिखाते रहिएगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है यार, मैं कैसे बतलाऊँ, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, आप लोग ऐसे ही सब्सक्राइब और लाइक शेयर ठोकते चलेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ से देखें 14 नंबर क्वेश्चन, तो नदी के द्वीप दोस्तों जो रचना है वो दोस्तों किसकी रचना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो देंगे, नदी के द्वीप किसकी रचना है। आप लोग तो करें यार आप सर जी भी क्या करते हो, अज्ञेय जी तो आंसर को ही आप लोग ने ब्लर कर रखा है, तो बिल्कुल बिल्कुल डियर बी नंबर सही हो देंगे दोस्तों। नदी के द्वीप जो रचना है अज्ञेय जी की है, किसकी है, अज्ञेय जी की है, नदी के द्वीप ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग यार बिल्कुल ठोकने का काम करेंगे, मैं आप लोगों को दिमागों में दोस्तों बिल्कुल ठोक ही दूंगा, ऐसा कि बिल्कुल नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा बिल्कुल चलिए बहुत अच्छा डियर, अज्ञेय जी हो देंगे बिल्कुल बी नंबर सही है। चलिए
चलिए यार देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदर्शनी के नाटककार कौन है। तो यार इसमें यार किसी का गलत नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदर्शी के जो नाटककार हैं डियर स्टूडेंट वो आप लोगों को बतलाना है पर क्या हो जाएंगे इसका सही उत्तर। मुझे यार बहुत खुशी होती है आप लोगों को देखते हुए एकदम बिल्कुल। यार चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर। उत्तर प्रियदर्शी या प्रियदर्शी के नाटक के नाटककार जो है दोस्तों कह रहे हैं नाटककार इसके कौन यानी कि इसके लेखक कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नाटक लिखा है तो नाटककार लिखेंगे तो आगे नंबर लगाना है बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन। तो यार आप लोग तारीफ के लायक हो आप लोग को तारीफ होना चाहिए। मैं कैसे यार आप लोग को तारीफ करूँ यार समझ में नहीं आया। चलो बहुत अच्छा बी नंबर आप लोग लगा रहे हैं एकदम बिल्कुल तहलका मच के यार धोरे धोरे उड़ा देंगे आप लोग ऐसे लास्ट तक बने रहेंगे तहलका धोरे सब उड़ जाएगा। चले बिल्कुल बी नंबर सही है डियर। चले देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा रोज कहानी की नायिका कौन है। आप लोग बतलाइएगा कि मैं बतला दूं। यार मालती मालती का जिक्र ज़्यादा किया गया है डियर तो मालती है दोस्तों इस कहानी का दोस्तों क्या है दोस्तों नायिका है दोस्तों कह सकते हैं प्रमुख पात्र है। पूछेगा रोज दोस्तों कैसी विद्या है तो आप लोग को कहना यह कहानी है दिया गया क्वेश्चन में ही। तो आप लोगों को कह रहा रोज कहानी की नायिका यानी कि रोज कहानी में नायक बनकर कौन उभरा है तो मालती जी हैं। सोडी यार बी नंबर लगाने तो बिल्कुल आप लोग तालका मचा लें धोरे धोरे कह लें जो कि मुझे खुशी हो रही है आप लोग को देखकर के। चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर स्टूडेंट एकदम तहलका मचा लें। चलिए देखेंगे 17वां नंबर क्वेश्चन कला के शेखर एक जीवनी किसकी कृति है। तो शेखर एक जीवनी दोस्तों किसकी कृति है यानी कि किसकी विद्या दोस्तों है ये कह रहा है कैसी विद्या ये तो कृति है दोस्तों आज्ञे जी की। किसकी है आज्ञे जी की तो आप लोगों को बतलाना है ये कैसी विद्या है। तो आप लोग लगाइए डियर और बतलाइए इसका जो सही उत्तर हो जाएंगे वो कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे एकदम बिल्कुल एक एक स्टूडेंट का यार आंसर आना चाहिए मैं देखना चाहूँगा एकदम बिल्कुल। यार आप लोग मेरे जिगर के छल्ले हुए एकदम बिल्कुल आंसर लगाते रहो यार। चलिए बहुत ही अच्छा एकदम तहलका धुरे सब उड़ रहा है। चलिए मुझे लग रहा है कि आप ये लोग दोस्तों टॉपर बनने वाला बिल्कुल उपन्यास हो जाएंगे बिल्कुल उपन्यास हो जिस स्टूडेंट को नहीं पता है वो याद करते चलेंगे। पीडीएफ का टेंशन है पीडीएफ आप लोगों को यार दे दिया जाएगा तो तहलका नहीं मचाना है बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर सी लगाइए उपन्यास हो जाएंगे से करें कि जीवनी दोस्तों कैसी विद्या है। तो चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहेगा कि आगे जी की कौन सी कहानी गैंगरिंग नाम से प्रसिद्ध है। तो यार आप लोग ऐसा हो सकता है कि नहीं बतला सकते ये ऐसा हो नहीं सकता बिल्कुल। यार चैप्टर का नाम दिया गया आप लोगों को सामने है ठीक है ना। चलिए ऑलमोस्ट स्टूडेंट करें डी नंबर होगा। चलिए देखिए अज्ञेय जी की दोस्तों कहानी दोस्तों गैंगरिंग नाम से जो प्रसिद्ध है वो दोस्तों आप लोगों का रोज ही है रोज यानी कि रोज के जो लेखक है अज्ञेय जी हैं रोज दोस्तों कहानी है आप लोगों को गैंगरिंग नाम से प्रसिद्ध है। तो यार आप लोग ध्यान रखना गैंगरिंग नाम से कौन प्रसिद्ध पूछेगा गैंगरिंग क्या है तो गैंगरिन एक बीमारी है क्या यार बीमारी। तो आप लोग ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आप लोग पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हो डियर तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है 90% लाने के लिए संपर्क करें 9142-5134 इस पर आप लोग को पीडीएफ वगैरह जैसे कि आप लोगों का दोस्तों 23-24-26 चैप्टर है ठीक है ना हिंदी का। अगर इसकी दोस्तों बात करें तो मैंने कम राशि रखा है दोस्तों होली के ऑफर के मुताबिक कह सकते हो मात्र 40 रुपया पूरा टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट भी मैं कोशिश कर रहा हूँ यार आप लोग को अप्रैल तक बिल्कुल आप लोग को एकदम प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और रही बात दोस्तों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का तो आप लोग को एकदम टेंशन एकदम नहीं लेना आप लोग इस चैनल पर आत्मनिर्भर हो सकते हो ये मैं कह रहा हूँ ठीक है ना। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है यहीं से क्वेश्चन आता है ये आप लोग को प्रूफ भी दिया जाएगा आप लोग को बताए जाएंगे कौन बुक से कहाँ से क्वेश्चन आता है जैसे फिजिक्स में जो होते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से कहाँ से आते हैं ये आप लोग को प्रूफ के साथ बताया जाता है। तो आप लोग को यकीन नहीं होगा शुरुआती दौर है क्योंकि मैं आप लोग को चैलेंज भी ठोकता हूँ अगर एग्जाम में नहीं क्वेश्चन मेरा आया अगर नहीं लड़ा तो पैसे भी वापस करने का काम करता हूँ इसीलिए दोस्तों काम राशि रखा हूँ ऑलमोस्ट स्टूडेंट है जो इस दोस्तों ऑफर का फायदा उठा सके। चलिए आगे जी मूलता क्या है बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल डियर।
एकदम तहलका मचा देना यार, कहानीकार आया है तो बिल्कुल सीना भर हो जाएंगे। आगे जी दोस्तों जो है कहानीकार हैं, क्या है कहानीकार है डियर, तो आप लोग ध्यान रखना एकदम बिल्कुल सीना भर ठोकते रहिए, आप लोग ठोकाते रहिए। चलिए चलिए डियर यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। कह रहे रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन मतलब बनकर आता है, तो कौन आता है रोज कहानी है दोस्तों, इसमें अतिथि बनकर कौन आता है मतलब मेहमान बनकर, बताइए डियर। एकदम यार तहलका नहीं मचाएंगे तो आप लोग कौन रिश्तेदार होता है, कौन रहता है रिश्तेदार ही होता है, तो बताइए रिश्तेदार कौन सा ऑप्शन में दिया गया है यार, बिल्कुल तहलका ही मचा देंगे हम लोग, ऐसा काम करेंगे कि बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात है, रोज कहानी में दोस्तों अतिथि बनकर जो आता है ना दोस्तों, वो हमारा क्या हो जाएंगे मालती के दो रिश्ते का भाई, तो बिल्कुल बिल्कुल सी नंबर सही हो जाएंगे। रोज कहानी में अतिथि बनकर यानी कि मेहमान बनकर मालती के दो रिश्ते का भाई आता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यार। प्लीज माई डियर माई जिगर के छल्लो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करें डियर यार कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप लोग सोचो, आप लोग मैसेज करके यार देख सकते हो, पीडीएफ की बात करते हो तो मैं पूरा पीडीएफ ही दे देता हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं नंबर के लिए संपर्क के लिए ये बोलता हूँ कि पैसा लगता है, तो ऐसी बात नहीं पैसा लगेगा, मैं फ्री को भी देता हूँ डियर स्टूडेंट। मैं बातों को समझता हूँ कि किस स्टूडेंट को दोस्तों जो है पीडीएफ की क्या जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग बात को समझिए, आप लोग ऐसा मत समझना, ठीक है ना। चले बहुत अच्छी बात है, 7 मार्च को इसका जन्म हुआ था, मैंने शुरुआत में बोला था 1911 ईस्वी को जन्म हुआ था, तो आप लोग देख पाओगे ए नंबर लगा रहे हैं। चलिए बिल्कुल यार आप लोग तहलका मचाते रहिए, आप लोग यहाँ से आप लोग वहाँ से बताते रहेंगे। चलिए 7 मार्च 1911 ईस्वी को दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद भाषण आगे का दोस्तों जन्म हुआ था। सोडियर ए नंबर लगा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल एकदम बिल्कुल तारीफ के लायक आप लोग हो यार, ऐसे यहाँ से ठोकते रहिएगा, आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दिखता रहेगा। चलिए देख रही, मैंने बोला था दोस्तों गैंग्रीन किस इनमें से किससे रिलेशन रखता है, तो मैंने अभी अपन आप लोग को बतलाया था, ठीक है ना। चलिए बतलाइए इसका मैंने अभी आप लोग को बतलाया था दोस्तों, जो कि बीमार देखिए मालती दोस्तों कौन है, तो मालती दोस्तों जो है महेश्वर का पत्नी है, इनकी मालती का दोस्तों पति कौन है महेश्वर दोस्तों क्या है डॉक्टर है, किस बीमारी का ऑपरेशन का क्या था तो गैंग्रीन का, तो गैंग्रीन क्या हुआ निष्कर्ष क्या निकला बीमारी के रूप में। सोडियम डी नंबर सही हो जाएंगे, आप लोग लगाइए, सभी लोग कमेंट कीजिए, नहीं पता था वो भी कमेंट कीजिए, पता है वो भी कमेंट कीजिए, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल यार बीमारी है इला, ठीक है ना, बिल्कुल डी नंबर सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। गैंग्रीन जो है एक प्रकार की बीमारी है, डी नंबर आप लोग लगाए तो तहलका मचा लें। चलिए अच्छी बात है, 23 नंबर का रेड यार, इनमें से कौन सी रचना अज्ञेय जी की है, ठीक है ना, बतलाइए इसका कौन सा रचना है दोस्तों जो अज्ञेय जी की है, ठीक है ना, बतलाइए सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। एकदम तहलका मचाते हुए आप लोग को कमेंट करते रहना है ताकि मुझे खुशी होते रहे। चलिए डियर बिल्कुल यार बिल्कुल 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 डी नंबर सही है, इनमें से सभी क्योंकि दोस्तों अपने अपने अजनबी है दोस्तों जो अज्ञेय जी की रचना, अपने अपने अजनबी ये भी अज्ञेय जी की रचना है, भागदूत भी दोस्तों अज्ञेय जी की रचना है, एक सहसा मछली भी दोस्तों अज्ञेय जी की रचना है। सो डियर डी नंबर आप लोग का सही उत्तर देंगे, क्या देंगे। चलो बहुत अच्छी बात है डियर, आप लोग बिल्कुल डी नंबर लगा रहे हैं, आप लोग ध्यान अपने अपने जिना भी भागदोत दोस्तों एक साथ मछली दोस्तों ये दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें से सभी हो जाएंगे जो कि अज्ञेय जी की रचना है। चलिए चलिए डियर स्टूडेंट कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में दोस्तों कविता लिखना शुरू किया था, कितने वर्ष के थे दोस्तों अज्ञेय जी जब उन्होंने दोस्तों कविता लिखना शुरू किया था, बताइए इसका सही उत्तर कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए बहुत से स्टूडेंट लगा रहे हैं 10 वर्ष, बताइए आप लोग भी कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, चलिए डियर बिल्कुल बिल्कुल मैं जीगा के चलो, बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल तहलका मचाया। देखिए अज्ञेय जी ने दोस्तों कितने वर्ष की उम्र में दोस्तों कविता लिखना शुरू किया था, तो 10 वर्ष के तो दोस्तों तो वो कविता लिखना शुरू कर दिए थे। सोड यार ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर देंगे, क्या देंगे ए नंबर बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर देंगे दोस्तों, 10 वर्ष की उम्र में दोस्तों कौन अज्ञेय जी क्या लिखना कविता लिखना शुरू कर दिए थे, तो सोड यार कविता लिखने की बात है तो अज्ञेय जी ने किया था, तो ए नंबर आप लोग का बिल्कुल तहलका मच गया। चलिए चलिए ताशक्त दोस्तों संपादक थे वो दोस्तों क्या हैं बताइए,
तो सप्तक के संपादक कौन है? ठीक है ना, बिल्कुल तहलका मचना चाहिए, एकदम बिल्कुल तहलका धुरे सब उड़ जाना चाहिए। तो सप्तक के संपादक कौन है? तो सप्तक के दोस्तों जो संपादक है कौन है बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल आज्ञे जी हो जाएंगे, बिल्कुल आज्ञे जी हो जाएंगे डियर। तो सप्तक के दोस्तों जो संपादक है आज्ञे जी है। ये आप लोग क्लास टेंथ में पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग ध्यान रखना। तो सप्तक के जो संपादक हैं वो बिल्कुल आज्ञे जी हैं, ठीक है ना। डी नंबर सी नंबर बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए आज्ञे जी ने दोस्तों इंटर कहाँ से किया था? आज्ञे जी थे ना दोस्तों सचिदानंद हीरानंद बासन आगे, ये दोस्तों थे ना, इंटर कहाँ से किए थे? एकदम बिल्कुल डियर, सभी स्टूडेंट कमेंट करो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे। एकदम बिल्कुल मद्रास क्रिश्चियन होना चाहिए यार, चलो बतलाइए तो भी यहाँ से बतला सकते हैं। देखिए डियर आप लोग यह समझ सकते हो डियर मेरी परेशानियों को, यहाँ से देखिए यहाँ पर मद्रास क्रिश्चियन होगा, छूट गया होगा, या तो आप लोग का जो होता ना कॉपी का ना उसमें से दोस्तों नहीं होता है कि, तो दोस्तों वहाँ से काट गया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रहेंगे रखेंगे, आप लोग को हो सके तो आंसर मैं लिख दूंगा। ए नंबर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, ए नंबर बिल्कुल सही है। क्या होंगे आज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। तो सोडी यार ए नंबर बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। चलिए चलिए डियर 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो बताइए डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। कह रहे भारतीय ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ द्वारा द्वारा दोस्तों आज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा आज्ञे जी को जो पुरस्कार मिला था वो कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आप लोग लगाइए अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। बिल्कुल कितने नावों में कितनी बार, चलिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल यार, एकदम इस समय पीछे हटना यार, एकदम ठोकते हुए चलेंगे कि कोई भी याद है, ठीक है ना। चलिए चलिए बहुत ही अच्छा, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना पर दोस्तों आज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों ध्यान रखना ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। क्या डियर ज्ञानपीठ का पुरस्कार दोस्तों कितनी नावों में कितनी बार पर दोस्तों मिला था? तो आप लोग ध्यान रखना सी नंबर बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर। इसी टाइप का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितना आप लोग को बतला रहे हैं, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। कह रहा है कि मालती के संतान का नाम क्या था? तो बताइए डियर आप लोग कौन सा ऑप्शन लगाना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मालती के दोस्तों संतान का नाम क्या था? टीटी था, टीटी वाला मतलब क्या दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात है, टीटी हो जाएंगे डियर, क्या होंगे टीटी 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 टीटी। तो आप लोग लगाइए बी नंबर, बिल्कुल बिल्कुल डियर टीटी था, क्या ना टीटी ना आगे जी मालती के मालती महेश्वर के संतान यानी कि पुत्र नंदन बेटा सूत्र बेटा इसका दोस्तों क्या हो जाएंगे टीटी हो जाएंगे। देखना अगर पूछेगा दोस्तों बेटा का दोस्तों पर्यायवाची शब्द तो आप लोग देखना सूत बेटा नंदन पुत्र, क्या सूत बेटा नंदन पुत्र, ठीक है ना। ये आप लोग का क्या बेटा का दोस्तों पर्यायवाची शब्द याद रखना सूत बेटा नंदन पुत्र, हंसिएगा ना इंडिया, ठीक है ना बिना बस आइए। चले फ्रेश द व्हेल आइकॉन, ठीक है ना यार एकदम बिल्कुल फ्रेश, प्लीज प्लीज यार फ्रेश द व्हेल आइकॉन। यहाँ पर आप लोग को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है उसको दबा करके काला कर दीजिए और फ्रेश करके व्हेल आइकन को दबा दीजिए यार कि ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना डी आता है। मेरी बातों को आप लोग फॉलो कीजिए एकदम बिल्कुल। कौन से कृत्य आज्ञे जी के, देखिए यार आप कह रहा है कौन से कृत्य आज्ञे जी का है, तो आप लोग देखेंगे डी तो लगाएंगे। देखिए कितनी नावों में कितनी बार इस पर दोस्तों तो ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है, तो ए नंबर सही हो जाएगा, साथ में बी नंबर भी होगा। देखिए सादा नीला दोस्तों जो चैप्टर है ना ये आप लोग क्लास टेंथ में पढ़ोगे, पढ़े हैं कि नहीं आप लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल याद है मुझे, मैंने भी पढ़ा होगा, ठीक है पढ़ा था। कौन से कहते हैं दोस्तों आज्ञे जी क्या है? तो सादा नीला और दोस्तों कितनी नाव कितनी बार ये दोनों हो गया। चलिए सी नंबर देखते हैं, सी नंबर में क्या दिया गया है? हरे घास पहचान बार, ये भी दोस्तों आज्ञे जी की रचना है, ये भी आज्ञे जी की रचना है। सो डियर इसका डी नंबर आप लोग का सही उत्तर देंगे। चलिए
यहाँ से देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन करा डियर की रोज कहानी दोस्तों, रोज कहानी घंटे के किस खड़ाकन के साथ समाप्त होती है बताइए। रोज कहानी दोस्तों कि कहानी किस खड़ाकन के साथ समाप्त होती है, यानी किस खड़ाकन के साथ बताइए इसका राइट आंसर। 4 3 2 11 9 2 11 भाग जाना, तो बताइए क्या हो देंगे। 4 नहीं बिल्कुल 11 हो देंगे यार, क्योंकि दोस्तों देखो रोज कहानी में दोस्तों किस खड़ाकन के साथ समाप्त होते हैं, 11 के साथ होती है। डी नंबर सही हो गया, डी नंबर बिल्कुल तहलका मचाने लायक क्वेश्चन है। चलिए आंसर देखिए इनमें कह रहा है रोज इनमें से कौन रोज कहानी, देखिए यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ से दे दिया, कह रहा है कि रोज कहानी इनमें से क्या, तो यहाँ पर पूछा जाना चाहिए रोज कैसी विद्या है, तो कहानी की विद्या यार कहानी है रोज कहानी, ठीक है ना। रोज क्या है, अरे यार रोज रोज हम लोग उससे आप लोग मिलते हैं, ये कहानी है ना दोस्तों, रोज रोज मेरे चैनल पर आप लोग आते हैं, ये कहानी है ना यार, तो आप लोग समझना इसका भी नंबर आप लोग का एकदम बिल्कुल समझ सकते हो क्या हो देंगे, राइट आंसर हो देंगे और क्या। चलिए डियर बिल्कुल आप लोग भी एकदम धुरे धुरे हो रहे हैं, तो मुझे खुशी होता है आप लोग को ये देख करके, जज्बात को देख करके, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल 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 एकदम आंसर लगाते रहिए आप लोग। देखिए डियर यहाँ कह रहा है ज्ञानपीठ को दोस्तों कौन सा पुरस्कार रचना पर प्राप्त हुआ है, अज्ञेय जी को दोस्तों ज्ञानपीठ का दोस्तों पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है बताइए। ज्ञान के मैंने बोला था कितनी नावों में कितनी बार, ये आप लोग को दोस्तों अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ का इस पर पुरस्कार मिल गया है, ठीक है ना, तो ये नंबर बिल्कुल सही है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, महेश्वर था ना दोस्तों आम का पेड़ आम लेकर आया था, क्या लेकर आया था महेश्वर दोस्तों, आम लेकर आया था, अनार भी नहीं लाया था, नहीं सेब लाया था, नहीं केला लाया था, सोडियर आम लेके आया था, क्या था आम लेके आया था, तो आप लोग ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे डियर, क्या होंगे ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे, आम लेकर आया था, सो डियर ए नंबर बिल्कुल सही उतर लेंगे यार। प्लीज़ यार चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना चैनल को मेहनत करते हैं यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसा यार काम चलेगा, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं यार, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करोगे ए नंबर सही हो जाएंगे, महेश्वर था दोस्तों आम लेकर आया था। देखो अज्ञेय जी के निधन की बात किया तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट गलत करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल लगाइए बिल्कुल। देखिए 1987 में निधन इसका हुआ था, क्या होता है अज्ञेय जी का जो निधन हुआ था ना 1987 ईस्वी में हुआ था, तो बिल्कुल बी नंबर आप लोग लगाइए, बिल्कुल राइट आंसर को प्राप्त कर लीजिए। क्यों देंगे अज्ञेय जी थे ना दोस्तों, इनका जो निधन हुआ था 4 अप्रैल दोस्तों, 4-4 याद रख सकते हो और 1987 याद रख सकते हो, सॉरी यार बी नंबर सही हो गया। चलिए अज्ञेय जी का जो मूल निवास है दोस्तों कहाँ है, तो मूल निवास की बात कर रहा है, तो आप लोग लगाइए इसका राइट आंसर क्या होंगे। देखिए इनका दोस्तों तो करतारपुर दोस्तों पंजाब, ऐसे जैम की बात करें तो कसैया उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है ना डी स्टूडेंट, कसैया उत्तर प्रदेश इनका जन्म हुआ, लेकिन इनका मूल निवास पूछे कि वो पहले कहाँ रहते थे, ये क्वेश्चन कर रहा है, क्या वो पहले कहाँ रहते थे ये क्वेश्चन कर रहा है, तो आप लोग ध्यान देंगे ये वो था दोस्तों उनका जन्म कहाँ हुआ, तो यहाँ कह रहा है कि मूल निवास कहाँ है, वो निवास कहाँ करते थे, तो करतारपुर पंजाब में निवास करते थे डी आर, तो ए नंबर सही हो गया, और जन्म की बात करें तो कसैया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, सो डी आर ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अज्ञेय जी ने दोस्तों बचपन में खेलने के लिए नाम, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को 2022 के लिए गेसिंग किया था और भी गया है, कह रहा है अज्ञेय जी ने बचपन में खेलने के लिए नाटक का लिखा, तो कौन नाटक लिखा, तो दोस्तों इंद्रसभा नाटक लिखा था, क्या लिखे थे इंद्रसभा, तो सोडी सी नंबर सही हो जाएंगे इंद्रसभा, ये 2022 के लिए गेसिंग किए तो आया भी था। अज्ञेय जी ने दोस्तों बचपन में खेलने के लिए 10 वर्ष के उपरांत दोस्तों इंद्रसभा दोस्तों नाटक का दोस्तों क्या लिखा था, नाटक लिखे थे, ये आप लोग का आया हुआ क्वेश्चन, तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना, एकदम धुरे धुरे उड़ा देंगे आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए अज्ञेय जी ने दोस्तों मैट्रिक कब पास किए, तो अज्ञेय जी ने लगभग दोस्तों मैट्रिक लगता है 1928 के आसपास में किए होंगे, देखते हैं कोई ऑप्शन में दिया गया है, 1928 नहीं दिया गया तो 1928 में लगता है दोस्तों वो थे दिनकर जी, इनका 1925 होगा, ठीक है ना, 1925 बिल्कुल,
देखिए इनका दोस्तों बात करें दोस्तों मैट्रिक की, तो मैट्रिक जो किए थे 1925 इसमें किए थे, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल डियर एकदम डी नंबर सही है। आंत्रा दोस्तों किसकी रचना, आंत्रा जो है ना डियर वो किसकी रचना, आंत्रा किसकी रचना है, एकदम बिल्कुल 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 अज्ञेय जी हो जाएंगे। अज्ञेय जी दोस्तों आंत्रा के रचनाकार है, तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आंत्रा जो लिखा गया दोस्तों अज्ञेय के द्वारा लिखा गया, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। देखिए प्लीज शेयर दिस चैनल एंड वीडियो, चैनल को यह शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। यह सच्चिदानंद हिरानंद भसैन अज्ञेय का जन्म हुआ था। यार इतना सिंपल क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हुआ था, उठा के पटक दो अर्थात यूपी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में दोस्तों सच्चिदानंद हिरानंद का दोस्तों क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो ए नंबर आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट, सच्चिदानंद हिरानंद भसैन अज्ञेय का पूरा नाम दोस्तों यही था, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था कसैया। चलिए अज्ञेय जी का पूरा नाम देखिए आ गया जिसका था मुझे इंतजार, अज्ञेय जी का पूरा नाम दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद, देखिए अज्ञेय छोड़ दिया यहाँ पर, तो डी नंबर बिल्कुल सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए सच्चिदानंद हीरानंद भसैन अज्ञेय हो जाएंगे, तो बिल्कुल सी नंबर सही आप लोग को टेंथ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए त्रिशंकु किसकी रचना, त्रिशंकु दोस्तों किसकी रचना बताइए इसका राइट आंसर, एकदम सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे त्रिशंकु किसकी रचना, बिल्कुल यार कमेंट करो इसका राइट आंसर जो देंगे वो क्या हो देंगे। बिल्कुल 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 डियर अज्ञेय जी द करेक्ट आंसर, क्या देंगे अज्ञेय जी हो देंगे, त्रिशंकु का रचनाकार अज्ञेय जी देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विपथगा दोस्तों जो है किसकी रचना, विपथगा किसकी रचना है, तो ये आप लोग का अज्ञेय जी कहा, ठीक है ना। देखिए मेरा देखिए दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, देखिए इसमें जो होता है ना दोस्तों आप लोग का आंसर थोड़ा गलती हो गया, इसका मैं सुधार कर लूँगा, क्योंकि मैंने देखा दोस्तों गलत प्रिंट हो गया इसमें, ठीक है ना। तो आप लोग को सुधार करके मैं आप लोग का इसका आंसर भेज दूँगा, ठीक है ना। आप लोग इस नंबर पर मैसेज करें, नंबर कहाँ गया नहीं लिखा हुआ, देखिए लिख देता हूँ, इक्यानवे बयालीस बावन इक्यानवे चौंतीस, इस नंबर पर आप लोग को मैसेज कर लेना डिया, आप लोग को इस नंबर पर पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट का। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, बेहतर तैयारी करते रहिए, मेरा दोस्तों नाम यहाँ देख सकते हो, और यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर आंसर के भी दिया हुआ है सभी का, तो आप लोग को थोड़ा आंसर सुधारना मुझे है, तो सुधार लेंगे अपन, ठीक है ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद वंदे मातरम।